सबको जय यीशु। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बहुत अलग ही चीज बताता है। प्रभु कहते हैं, धन्य है अगर तुम दरिद्र हो, धन्य है अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग राज तुम्हारा है। शायद हम ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, मगर हम देखते हैं जो भी लोग ईश्वर के लिए अपने आप को नौछावर किया है, जो भी लोग ईश्वर के लिए अपने आप को त्याग किया है, उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु अनुग्रह भरपूर बरसता है। जब हम फर्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स दें, फर्स्ट ईयर में केरल से आए दें, हमारे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और हमारी गाड़ी के चारों पहिए ऊपर थे और हम गाड़ी के अंदर फंसे गए थे, और आसपास के सब लोग सोचा कि हम खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर से एक भी आवाज ही नहीं निकल रहा था। और वहां गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने आराम से हमारी गाड़ी का दरवाजा खोलकर हमको निकाल रहे थे, तो हम तो सही सलामत निकल रहे थे अंदर से। जैसे हम लोग सब गाड़ी के अंदर से निकल गया, वहां इकट्ठे हुए एक भैया ने बोला, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि इन लोग भगवान का काम करते हैं, इन लोग भगवान चुने हुए लोग हैं। हाँ, सचमुच में अगर गाड़ी का हालत आप लोग देखे तो आप लोग भी यही सोचोगे ये सब कोई खत्म हो चुका था, मगर हमको किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। जब हम ईश्वर के लिए अपने आप को देते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी दरिद्रता में भी, हमारे दुख तकलीफ में भी हमें एक आनंद मिलता है जब हम ईश्वर के लिए दुख तकलीफ सहते हैं। तो हम देखते हैं मणिपुर में बहुत लोगों को सताया गया प्रभु यीशु के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, उनके धर्म के नाम पर, फिर भी हम देखते हैं वहां कलीसिया कम नहीं होते, मगर इसके अलावा वहां बढ़ते हैं कलीसिया। दुख तकलीफ में भी कलीसिया बढ़ते हैं, क्योंकि वहां उन लोगों को एक आनंद मिलता है, ईश्वर प्रभु ईश्वर उनको एक शक्ति प्रदान करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम पर, स्वर्ग राज के नाम पर दुख सहने के लिए, दुख तकलीफ उठाने के लिए। हमारी जिंदगी में भी जब हम अपनी जिंदगी प्रभु ईश्वर के लिए नौछावर करते हैं, प्रभु यीशु हमारे साथ देते हैं, तो हमको भी यह कह सकते हैं आज के सुसमाचार के द्वारा कि हम धन्य हैं क्योंकि हम ईश्वर के लिए दुख तकलीफ सहते हैं, हम दरिद्र हैं प्रभु यीशु के लिए। प्रभु ईश्वर हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे चमत्कार दिखाएंगे, हमारी जिंदगी द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष प्रदान करेंगे, क्योंकि हम चुने हुए हैं स्वर्ग राज इस धरती पर फैलाने के लिए। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु ईश्वर से, जब हम इस स्वर्ग राज फैलाने में जो कुछ भी दुख तकलीफ हमें सहना पड़े, जो भी दरिद्र हमें रहना पड़े, हम उसी में आनंद पाए, क्योंकि हम आज की इस दुनिया के लिए नहीं, हम जो काम कर रहे हैं आने वाले दुनिया के लिए हैं। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, कृपा करें, जो कोई भी हो ईश्वर के लिए दिया है उनको भरपूर प्रभु ईश्वर वापस दिया है। इसलिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें, और आप सबों को प्रभु ईश्वर यही कृपा करते हैं कि ईश्वर के सुसमाचार सुनाने में हम सब समर्थ बने। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।